अब यहाँ से जा रहे हैं हम शाही बावली, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा जाके जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गाइड ने। तो चलिए शाही बावली की तरफ, और शाही बावली और भी इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम आ चुके हैं जो शाही बावली है, आप देख रहे हैं ये जो शाही बावली है, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो यहाँ से अंदर जाता है उसको कुछ नहीं पता चलता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन जो अंदर है, अंदर इस तरीके का बनाया गया है तो उनको पता चलता है कि कौन अंदर आ रहा है। जब उस समय दुश्मन जो हमला करने आते थे वो जब अंदर आते थे तो अंदर से पता चल रहा था, और अभी आपको गाइड से सुनाएंगे, गाइड ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया इस चीज़ को। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी बिना जानकारी वाला जो भी आएगा सोचेगा नीचे करके देखे क्या है। और जो पानी का रिफ्लेक्शन दिखा है दिन की रोशनी में, और दिन की रोशनी में कोई जासूस आएगा तब दिखेगा, और रात में जब कोई आएगा तो सामने आप देखे सेंटर देख रहे हैं, सामने गैप बना है, जब आपसे कह तो ऊपर और चलिएगा तो सामने वाला रात का सिस्टम बनाएगा। वहाँ अंधेरा रहता है, अभी भी अंधेरा दिख रहा है, रात में और अंधेरा रहेगा, और यहाँ पे दो मसाले जला देंगे तो यहाँ आने वाला दिख जाएगा उधर से, लेकिन यहाँ से उधर नहीं देख पाएगा। समझ गए, यहाँ पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, इस पानी में तस्वीर हमारी आपकी जा रही है, अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो घूम करके आप जा सकते हैं सीधे। यहाँ दो मसाले जलाई जाती थी, और जब दिन में हमला होता था तो वो पानी का रिफ्लेक्शन, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं पानी का रिफ्लेक्शन अंदर जो सैनिक खड़ा होता था उसको दिखाई देता था, और रात में ये ऊपर आप देख रहे हैं इसमें सैनिक खड़ा होता था अंदर, और अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहाँ अगर कोई खड़ा होगा तो वो मुझे देख सकते हैं। तो जब भी रात में हमला होता था, तो रात में जब हमला होता था तो यहाँ मसाले जलाई होती थी पहले से, और जो भी कोई आता था सीधे वहाँ से अपना तीर कमान जो भी है उससे लड़ाई लड़ते थे। ये रहा बावली यानी कि कुआं, ये देख सकते हैं ये है कुआं, अभी पूरा खाली। देखिए इसे बावली कहते हैं, बावली राजस्थानी भाषा है, यहाँ पे कुआं कहेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे बिल्डिंग को बनाने के लिए, पानी, और गोमती रिवर 1 किलोमीटर दूर है जो आपको सबसे देखा है, अगर वहां से मजदूर पानी लाएंगे तो काफी समय लगेगा और मेहनत भी पड़ेगी। इंजीनियर ने सबसे पहले काम यहीं पे पानी की व्यवस्था की है, अंडरग्राउंड कुआं बनाया, यहाँ पे जब कुआं बनवाया तो अंडरग्राउंड रोटी नदी से जोड़ दिया, उस नदी का पानी जब इस कुएं में आया तो उसी के पानी से पूरा ही मकबरा बनवा दिया। अभी पानी नहीं है क्योंकि इसकी रिपेयरिंग चल रही है, पेंडेमिक की वजह से रोक दी जाती है, रिपेयरिंग खत्म होगी तो पानी फिर से कुएं वाला मिलेगा तो सुरंग के जरिए आता नदी वाला, नहीं मिलेगा तो अलग से भरा जाएगा, पहले पानी इसमें था अभी ये बन गया। ये कुआं बहुत गहरा है, जो नीचे 3 फ्लोर आपको बताए हैं वहां तक लग गया है, इसको बंद किया बंद कर दिया जी हाँ। सबसे पहले पार्ट यही बना था बावली, बावली में जब यहाँ पानी है तो इसी के पास से पूरा एरिया इमामबाड़ी का बनाया गया, भूल रही है सब। देखिए डस्टबिन रखी थी ब्लैक वाली, ग्रीन कलर का पेड़ था, कलर दिख रहा है सब कुछ, उल्टा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है ना पानी के अंदर जी। देखिए जो भी आएगा वो पानी में दिखाई देगा, पानी से हम लोग में दिखा, हम लोग को दिखाई देगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कौन दिख रहा है कहाँ से दिख रहा है। और ये दुश्मन के लिए बनाया था, देखिए कलर भी दिख रहा है, तो नवाबों की वर्दी काली थी, अंग्रेजों की वर्दी रेड थी, तो कलर से पहचान दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। अब पानी में देखे शेडो जाएगी, शेडो को देख के शूट नहीं करेंगे जब तक के रियल ना देखे ना, अब देखिए पानी में शूट नहीं करेंगे जब वो उनकी शेडो नजर आ रही थी, अब जब वो लोग जब नीचे उतरेंगे तब दिखाई देंगे, नीचे कहाँ से देखेंगे, नीचे बैठ जाइए आप लोग मेरे साथ में, देखिए सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं, जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ऊपर ऊपर बना हुआ एरिया, और जब लोग नीचे उतरेंगे तो सामने नजर आएंगे सीढ़ियों पर, और यहीं से शूट कर देंगे उनको। अच्छा, अच्छा, लेकिन पता नहीं चलेगा तीर कहाँ से आया, किसने मारा। नवाब साहब के खजाने थे इसके अंदर, कूद गए थे कूद गए थे जी,
दुश्मनों जब आए तो उनसे गद्दारी जाली मांगी। पहले के लोग गद्दार थे, कहने लगे जान ले देंगे, लेकिन नवाब साहब से गद्दारी नहीं करेंगे। तो अपने साथ खदानी चाबी नक्शा लेके इसमें पूछ गए कंग्रेजों ने कि अपने तीन साथी में कितने दौड़ कमी है। तो जो सुरंगे आपको दिखाई थी वही सुरंगे थी जो ब्रिटिश होते थे कि उसी सुरंग की चाबी इसके अंदर खदानी चाबी जाएंगे लौट के आएंगे, लेकिन क्या सुरंगे बाहर निकलने के लिए जो भी दुश्मनों पर आक्रमण कर रहे यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम बहुत है, लेकिन आपको कहीं पर भी यहाँ नहीं लगेगा कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर अभी हम लोग जमीन के नीचे हैं। जमीन के नीचे है, इतने बड़े बड़े पेड़ है, जमीन के ऊपर ही तो होंगे। जमीन के ऊपर पेड़ है वो, उसके नीचे तो है। तो ये था शाही बावली, और जिसने भी भूल भुलैया का ब्लॉग नहीं देखा है जाइए देखिए, और ये शाही बावली का चिकन ब्लॉग है। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।